प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर सूबे की कमलनाथ सरकार ने घोटाला होने की बात कही है। इसी बीच विदिशा में भी किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया, फिर भी उनका नाम कर्जदारों की सूची में दर्ज कर लिया गया है। किसानों की शिकायत पर अधिकारी जांच करने का भरोसा दिला रहे हैं। सर, क्या मेरे पिताजी पिता बड़े पापा जी उनके नाम से 1,11,650 मतलब दोनों के नाम से 11,650 की नाम की राशि निकाली गई है, जबकि सोसाइटी से कभी हमने लेन देन किया ही नहीं है। वहाँ पे मैं गया तो मैंने उनसे पहले तो मैंने देखा वहाँ पे, उन्होंने फ़ोन किया कि ले आपका नाम आया, तो मैं सोसाइटी गया, मैंने भैया कर्जा निकाला नहीं है, कहाँ से आ गया? तो बोलने लगे कि ले यार वो तो मिस प्रिंटिंग से आ गया होगा। तो मैंने मिस प्रिंटिंग से दो नाम, एक नाम आ सकता, मिस प्रिंटिंग से दोनों भाइयों का नाम कैसे आ गया? तो कल यार वो अपन देख लेंगे, तुम एक काम करो सफ़ेद फार्म भर दो, अपन उसको करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सर उसने हमारी जब लिस्ट आई हमारी पंचायत में तो पिताजी के नाम से खाता चल रहा, उनके पास भी 2,00,000, हमारे भाई के पास भी मतलब दो लाख, तो हमारे तो होश उड़ गए सर समझ में कि अपन का कोई लाभ नहीं हुआ। हम तो समझ रहे 50-60 हज़ार रुपये कर जाएगा जी भरा जाएगा, बाकी का हमें कहा जाए स्टेट बैंक टूट जाएगी ऐसे ऐसी। तो उसमें सर कहते गाँव के जा रहे हैं लगभग 400 किसान, 230 किसान। हमने सेक्रेटरी जाकर सर विनय करी कि भैया हमारे पास तो कर्जा के हो, कल लंग समझा लेंगे। शासन की ओर से भी एक पत्र आया है 26 जन को जारी किया शासन ने, कि अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विधिवत एक पंजी बनाई जाए और पंजी बनाने के उपरांत उस शिकायत को जाँच के लिए भेजें। उसके लिए भी कमेटी शासन निर्देश के अनुसार बन गई है और आज भी वर्धा सोसाइटी की शिकायत प्राप्त हुई है, 2-3 सोसाइटी की और मिली थी कि उस सोसाइटी में कुछ अनियमितता हुई है, तो DDA को मैंने जांच कराने के लिए आवेदन दे दिया है, उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी। ब्लॉक लेवल की जो कमेटी बनी हुई है उसमें SDO रेवेन्यू भी हैं, दूसरे अधिकारी भी अन्य विभागों के, उनको मिलाकर कमेटी बनी है, वो जांच करेगी और जांच करने के पश्चात जो भी रिजल्ट आया